मेरे और एक वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एलईडी ड्राइवर अथवा इन्वर्टर बोर्ड अगर ख़राब हो गया तो उसको रिपेयर कैसे करते हैं, अगर उसकी आईसी नहीं मिलती है तो उसको सब्स्टिट्यूट बोर्ड कैसे बिठाते हैं, वो मैं आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो देखते रहे मेरा चैनल देव ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर किसी भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। इधर देखो इसका पावर ऑन आ रहा है लेकिन स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है, स्क्रीन पूरा ब्लैंक है। तो इसको खोलते हैं और स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। ये है इन्वर्टर सर्क्यूट और ये वायर जो जा रहा है एलईडी को अंदर जा रहा है, स्क्रीन के अंदर एलईडी जो लैंप है उनको जा रहा है। तो यहाँ कनेक्टर के पास वोल्टेज चेक करते हैं कितना वोल्ट आती है। लगभग 80 वोल्ट आना चाहिए लैंप ड्राइव करने के लिए। तो स्टैंड बाय में हमको 37 वोल्ट मिल रहा है। अभी पावर ऑन करके देखते हैं कितना वोल्ट आता है। पावर ऑन करने के बाद देखो 51.8 वोल्ट आ रहा है। ये वोल्टेज तो सफिशिएंट नहीं है एलईडी लैंप ड्राइव करने के लिए, कम से कम 80 वोल्ट आना चाहिए एलईडी लैंप ड्राइव होने के लिए। अभी ये टेस्टर से चेक करते हैं एलईडी लैंप का जो कनेक्टर है वो निकाल देते हैं और इसमें ये एलईडी टेस्टर का लीड्स लगा के टेस्ट करते हैं एलईडी लैंप जलता है कि नहीं। यहाँ आपको दिखेगा एलईडी लैंप जलता है कि नहीं। अभी देखो एलईडी लैंप जल गया। तो टेस्ट लैंप से एलईडी टेस्टर से लैंप जलने लगा, देखो 72.5 वोल्ट ले रहा है। तो लैंप जलने के लिए 72.5 मिनिमम वोल्टेज चाहिए। ये वोल्टेज हमारे इन्वर्टर में से नहीं आ रही है, इसका मतलब इन्वर्टर फॉल्टी है। को टेस्टर से मैंने ये टीवी ऑन करके देखा तो स्क्रीन बराबर आ रहा है, स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इन्वर्टर की आईसी है उसमें ख़राबी होती है, ये आईसी तो मिलना मुश्किल है और ये सर्किट रिपेयर भी होना मुश्किल है। इसमें हम सब्स्टिट्यूट बोर्ड बिठा देते हैं। ये एलईडी ड्राइवर ट्रांजिस्टर है और ये इन्वर्टर ट्रांसफार्मर है। वोल्टेज बूस्ट होके एलईडी लैंप को जाती है। ये है इन्वर्टर बोर्ड, इसको हम अभी लगा देते हैं और कनेक्शन करते हैं। इस पे इस जगह पे बराबर बिठेगा और ये वायर जो है मेन बोर्ड में लगा देंगे। ब्लैक है वो ग्राउंड है, ये जो ब्लैक वायर है वो ग्राउंड है और रेड वायर है वो दोनों 12 वोल्ट में जाएंगे मेन बोर्ड में से। जो पावर सप्लाई 12 वोल्ट होती है उसमें से जाएगा करंट। और दो येलो वायर है वो डीम और ऑन ऑफ के लिए है। मैंने यहाँ जो दो येलो कलर के वायर है एक साथ में लगा दिया है क्योंकि इस टीवी में जो एलईडी लैंप की ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने की ऑप्शन नहीं है, खाली ऑन होते हैं और ब्राइटनेस के ऊपर ही कम ज़्यादा होती है। इसके लिए मैंने
जो ऑन ऑफ और डिम जो वायर है एक साथ लगा दिए है। ऑन ऑफ होने के लिए 3 वोल्ट से 2.5 से 3 वोल्ट चाहिए, वो आ रही है। सब कनेक्शन कर लिया, अभी स्क्रीन उल्टा करके देखते हैं कैसी आती है। तो देखो एलईडी लैंप जो है एकदम बराबर जल रहे है, स्क्रीन आ गया। और एक बार चेक करते हैं आउटपुट वोल्टेज इस बोर्ड की, जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो 75 से थोड़ा ज़्यादा चाहिए, वो वोल्टेज यहाँ आ रही है या नहीं चेक करते हैं। तो देखो 77 वोल्ट आ रहा है, बराबर जो हमारा रिक्वायरमेंट है। ये आउटपुट आईसी भी हीट नहीं हो रही है, इसका मतलब जो वोल्टेज इस बोर्ड में है वो बराबर है। बोर्ड मैंने इंस्टॉल कर दिया और टीवी कंप्लीट कर दी। पिक्चर क्वालिटी देखो अच्छा आ रहा है। तो ये हमारा काम पूरा हो गया फ्रेंड्स। तो आपने देख लिया, अगर आपका एलईडी टीवी का इन्वर्टर बोर्ड ख़राब हो गया तो कैसे रिपेयर करते हैं, कम से कम खर्चे में कैसे रिपेयर करते हैं, इस वीडियो में आपने देखा। आज के वीडियो में बस इतना ही। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल देव ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर भी कीजिए, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दे दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।